हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज हम बात करेंगे QRS 8 की बात करेंगे, क्विक रिवीजन सीरीज 8। और 8 वाले पार्ट के अंदर आज हम बात करेंगे किसकी, जामन की स्टार्टर की बात करने वाले हैं। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपकी 12th AG केमिस्ट्री का पार्ट भी है। इसके अलावा हम बात करें तो डेयरी केमिस्ट्री का पार्ट है, आपके जेट में आता है, आपके ICER में आता है, और आपके कृषि पर्यवेक्षक एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो डेयरी केमिस्ट्री है उसके अंदर भी ये टॉपिक आपके दे रखा है। तो ये सीरीज हमारी चल रही है क्योंकि रिवीजन सीरीज, अगर आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा है, इसके पहले वाले 7 वीडियो लेक्चर देखे हैं और इस वाले वीडियो लेक्चर को देखोगे तो समझ लीजिए कि आपका पूरा का पूरा डेयरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। आप इनमें से कोई सा भी एग्जाम दे सकते हो, आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाला है अगर आपने इन सभी वीडियोस को बिल्कुल अच्छे से देखा है, याद किया है। इसके बाद जैसे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा डेयरी वाला, इसके क्वेश्चन आंसर में लेकर आऊंगा जिनको हम सोल्व करेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आ जाइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड जरूर कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहां पर आपको मिलेगा कंप्लीट जेट ICER का कोर्स और कृषि पर्यवेक्षक का कोर्स। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे किसकी, जामन की। जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो को देख रहे हो ना तो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, तभी कहानी समझ में आएगी, अन्यथा कहानी समझ में नहीं आने वाली। तो हमें कहानी पूरी समझनी है, और समझनी नहीं है, हमें याद करनी है अच्छे तरीके से। तो आप में से उम्मीद करता हूं सबको पता होगा कि जामन क्या होता है, तो जरा बता दीजिए जामन क्या होता है। आप जहां पर भी बैठे हो अपने मन में एक बार सोच के देखो कि जामन क्या होता है, जामन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो आज ये सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो हेडिंग लगा लीजिए परिभाषा, और बिल्कुल इतना कहूंगा कि याद करवा दूंगा, और याद हमें करना है। तो परिभाषा हम देख लेते हैं, परिभाषा क्या होगी। तो लिखेंगे जामन वह पदार्थ होता है, जामन वह पदार्थ होता है, बस इतना याद करो, क्योंकि याद करना है हमें। तो बोलो जामन वह पदार्थ होता है, आगे आ जाओ, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। इतना याद करो, एक बार फिर से बोल रहा हूं, पढ़ाना अलग बात है, आपको याद करवाना है। और जहां तक आपको याद नहीं होगा वहां तक मजा नहीं आएगा, तो हमें याद करना है यार, थोड़ा सा जोश में आ जाइए, ठीक है। जामन वह पदार्थ है जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। आओ आगे बढ़ते हैं, जो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है क्या कहलाता है। बोलो जामन कहलाता है। तो देखो ना यार, कितनी आसान सी परिभाषा थी, अभी याद होनी चाहिए आप सभी को। भाई जामन, आप सभी जानते हो कि जामन क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी इसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन आज हमने इसकी परिभाषा देखी है, और सभी स्टूडेंट को परिभाषा याद होना चाहिए। एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप आंख बंद करके एक बार पूरी परिभाषा को बोल ले अपने मन में कि जामन क्या होता है। जामन वह पदार्थ होता है जिसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है, जो दूध को दही में बदलने का वर्क करता है, कार्य करता है, या दही दूध को दही में बदलने में प्रयुक्त होता है, जामन कहलाता है। भाई दही में कैसे बदलेगा दूध, किसकी बदौलत, वही पदार्थ क्या है, जामन है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं ये जामन की परिभाषा आपने याद कर ली होगी। अब हम बात करते हैं जामन के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टार्टर की, जामन कितने प्रकार का होता है। तो बहुत आसान है, बस फोकस बोर्ड पर बनाए रखे, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा।
सबसे पहला प्रकार हमारे पास आता है, कौन सा आता है? प्राकृतिक, प्राकृतिक जामन आता है। कौन सा आता है? प्राकृतिक जामन आता है। इसके बाद दूसरा प्रकार हमारे पास कौन सा आता है? दूसरा हमारे पास आता है सामान्य, सामान्य को थर्ड नंबर पे लेंगे। इसके पहले हम बात करेंगे शुद्ध जामन की। शुद्ध जामन, इंग्लिश में प्राकृतिक जामन को नेचुरल जामन बोलते हैं, शुद्ध जामन को प्योर स्टार्टर बोलते हैं। जामन में स्टार्टर लगा देना पीछे, ठीक है। इसके बाद अगला हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है सामान्य जामन। कौन सा आता है? सामान्य जामन आता है, नॉर्मल स्टार्टर। तो जो जामन होता है, जो स्टार्टर होता है, तीन प्रकार का होता है। देखो याद होना चाहिए, कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। पहला प्रकार कौन सा आया? प्राकृतिक जामन आया, दूसरा शुद्ध जामन आया, और तीसरा सामान्य जामन आया। अब एक एक जामन को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि प्राकृतिक क्या होता है, शुद्ध क्या होता है, और सामान्य क्या होता है। तो आ जाइए हेडिंग लगा लेते हैं। जो भी स्टूडेंट नोट करना चाहते हैं, रजिस्टर लेकर बैठे और रजिस्टर में नोट करते रहे और अपने माइंड में डायरेक्ट सेव करते रहे। तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लगा लीजिए जामन के प्रकार में। सबसे पहला कौन सा? प्राकृतिक जामन हेडिंग लगा लीजिए। बस छोटा सा पार्ट है, अभी फिनिश हो जाएगा। आओ देखो, प्राकृतिक जामन, नेचुरल स्टार्टर, ये पहले नंबर का है। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं NS। बात करते हैं प्राकृतिक जामन क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि जब हम दूध को किसी गर्म जगह पे रख देते हैं, कहां रख देते हैं? जब दूध को किसी गर्म जगह पे रख देते हैं, तो जब हम उसको गर्म जगह पे रखते हैं तो ऑटोमेटिक स्वतः ही उसमें क्या है, बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। और जब बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे तो दूध क्या होगा? दही में बदल जाएगा। फिर हम बोलते हैं कि दूध फट गया है, ऐसा हम कहते हैं। उससे दही तो बन रहा है लेकिन इतना अच्छा नहीं बन रहा है, और उस दही में कोई स्वाद नहीं आएगा, वो खाने में भी इतना ज्यादा टेस्टी आपको नहीं लगेगा, याद रखना। ये होता है प्राकृतिक जामन। ये प्राकृतिक नेचुरल, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, ऑटोमेटिक जामन बना है। तो आओ देखो इसमें क्या लिखना है, इसमें कुछ नहीं लिखना। जब हम दूध को वातावरण में रखते हैं, किसको? दूध को नॉर्मल वातावरण में रखते हैं। अब बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, वो वातावरण में रखा, सपोज करो हमने 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर उसको रख दिया। कितने डिग्री पे? 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पे हमने उसको रख दिया। तो क्या होगा? ये स्वतः ही क्या होगा? स्वतः ही इसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे। क्या उत्पन्न हो जाएंगे? बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे, और इन बैक्टीरिया की वजह से जो दूध होगा वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? दही में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जो ये दही होगा इसमें स्वाद नहीं होगा, याद रखना। क्या नहीं होगा? स्वाद नहीं होगा, और इसको हम खाने के भी काम में नहीं लेंगे क्योंकि स्वाद ही नहीं है। तो ये वाला जो जामन था ये कौन सा था? प्राकृतिक जामन था। अब आओ समझो इसको कैसे समझेंगे। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, आपने देखा है गर्मियों में दूध से दही जल्दी बनता है। लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने क्वेश्चन में बताया था, गर्मियों में दूध से दही बनने में 6 से 8 घंटे लगते हैं, जबकि सर्दियों में कितने घंटे लगते हैं? 10 से 12 घंटे लगते हैं। और सबसे ज्यादा जो दही है गर्मियों के दिनों में ही खाया जाता है, याद रखना। तो गर्मियों में क्या होता है, दूध को जब हम रख देते हैं तो कुछ समय बाद, अगर आपने उसको एक तरीके से तपाया नहीं है, अच्छे तरीके से रखा नहीं है, आपने नॉर्मल कहीं पर भी रख दिया, तो आपने देखा होगा कि दूध फट जाता है, और फटने के बाद वो दही जैसा आपको नजर आता है। क्या वो दही होता है? क्या उसको खा तो नहीं सकते आप? तो ये वाला होता है कौन सा? प्राकृतिक जामन, जो ऑटोमेटिक प्रकृति के द्वारा बैक्टीरिया उत्पन्न हुए और क्या हुआ है, जो दूध था दही में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसमें स्वाद नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ये होता है प्राकृतिक जामन। अगर क्वेश्चन आ जाए तो लिखकर आ जाना। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? शुद्ध जामन की, प्योर स्टार्टर की। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। दूसरे प्रकार का जामन हमारे पास कौन सा आया? शुद्ध जामन आया। कौन सा आया? शुद्ध जामन, जिसको हमने क्या बोला? प्योर स्टार्टर बोला। क्या बोला? प्योर स्टार्टर। अब आओ इसको समझेंगे। इस पर स्टार लगा लेना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, काम का पॉइंट यही है, यही हमें याद रखना है। शुद्ध जामन क्या होता है? तो देखो, शुद्ध जामन को लेब में तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? जो बैक्टीरिया का पाउडर होता है, जो कल्चर होता है, उसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। तो इसके अंदर आप लिखेंगे, इस जामन को बैक्टीरिया पाउडर द्वारा
इस जामन को लैक्टिक बैक्टीरिया द्वारा कल्चर करके लैब में तैयार किया जाता है। और यह एक क्या होता है, याद रखना, यह पाउडर होता है। क्या होता है? पाउडर होता है, याद रखोगे। तो अब तक हमने इसमें इतना देखा है कि एक तरीके का पाउडर होता है और इसको कहां पर तैयार किया जाता है, लैब में, प्रयोगशाला में इसको तैयार किया जाता है। यह होता है शुद्ध जामन, बिल्कुल प्योर जामन है। अच्छा, प्योर जामन क्यों बोल रहे हैं? इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? तो इसमें होता है एक तो स्ट्रेप्टोकोकस होता है, इसके अलावा इसमें लैक्टोबैसिलस होता है। डरना मत, क्वेश्चन आ चुका है। बुल्गेरिस, याद रखना, वो कौन सा जीवाणु है जो दूध को दही में बदलने में वर्क करता है? इनमें से कोई भी ऑप्शन में नजर आ जाए तो लगा के आ जाना। आप कहोगे कि सजामन में से कैसा क्वेश्चन, तो इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए दूध से दही बनता है तो कौन से जीवाणु की वजह से। ऑप्शन में जो भी इनमें से मिले, अगर आपको स्ट्रेप्टोकोकस दे रखा है तो स्ट्रेप्टोकोकस बताना, लैक्टोबैसिलस दे रखा है तो लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस दे रखा है तो लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस। इसीलिए इस पर हमने 3 स्टार लगाए, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा था? शुद्ध जामन था, प्योर स्टार्टर था, क्योंकि इसको लैब में एक बैक्टीरिया द्वारा, लैक्टिक बैक्टीरिया द्वारा इसको तैयार किया गया है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रकार का जामन हमारे पास कौन सा आता है? जरा बाल को नाम बोल दो यार, 3 याद किए देना, कौन कौन सा। सबसे पहला प्राकृतिक, उसके बाद प्योर, और उसके बाद अगला आ रहा है हमारे पास 3rd नंबर पे, जिसको हम बोल रहे हैं सामान्य जामन। अब सामान्य जामन क्या होता है? ये सबसे आसान है कि कुछ नहीं होता, एक दिन पुराना दही होता है। क्या होता है? एक दिन पुराना दही होता है, और अधिकतर इसी को अपनाया जाता है। गांव में आपने देखा होगा, एक दिन पुराना दही रख लेते हैं, फिर हमें दही बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उस दही के उसमें छींटे दे देते हैं। कितना काम में लेते हैं? तो 1-3% काम में लेते हैं, आपको याद होगा ना। तो यही होता है आपके सामान्य जामन। इसमें लिखना क्या है, तो बस आप इसमें इतना लिख ले, ये एक दिन पूर्व का दही होता है। क्या होता है? एक दिन पूर्व का दही होता है, याद रखोगे, एक दिन पूर्व का दही होता है। और बात करें कि इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, तो जितने भी नाम मैंने आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, उनसे थोड़ा सा अलग हम देखेंगे। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया, इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस केसाई होता है, इसके अलावा इसमें होता है लैक्टोबैसिलस, इसके अलावा इसमें होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, एक साथ लिखना एसिडोफिलस, इसके अलावा होता है इसमें लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस। ये सारे के सारे जीवाणु एक दिन पूर्व के दही में होते हैं, और इससे क्या किया जाता है, हम नया दही बना सकते हैं। कैसे? जामन देखे। तो ये था हमारा जामन, जामन की परिभाषा हमने देखी, जामन के 3 प्रकार हमने देखे। 3 प्रकार में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये नाम इंपॉर्टेंट है। आ जाइए, जैसे कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो 2-3 क्वेश्चन है जो मैंने आपको वीडियो के बीच में बताए हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे ज्यादा किस मौसम में इसको पसंद किया जाता है, तो याद रखना गर्मियों में। कौन से मौसम में? गर्मियों में। जो हमारा QRS7 था उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था। इसके अलावा जामन की कितनी मात्रा काम में लेते हैं? जामन की मात्रा, भाई अगर हमें दूध से दही बनाना है तो कितने जामन की मात्रा काम में लेंगे, लिख लेना 1-3% काम में ली जाती है। कितनी? 1-3% काम में ली जाती है। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे, मतलब एक तरीके से समय आपसे पूछ सकता है कि गर्मियों में कितना समय लगता है और सर्दियों में कितना समय लगता है। तो लिखेंगे गर्मियों में
गर्मियों में दूध से दही बनने में, दूध से दही बनने में कितने घंटे लगते हैं? 6 से 8 घंटे लगते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपसे फिर से पूछ लिया जाए, यहां पर वो क्या कर दे, सर्दियां कर दे, सर्दियों में दूध से दही बनने में कितना समय लगता है, तो 10 से 12 घंटे बताओगे। कितने घंटे बताओगे? 10 से 12 घंटे। इसके अलावा मैंने आपको इंक्यूबेशन अवधि बताई थी जब हमने इसके आगे दही पढ़ा था, तो दही को इंक्यूबेशन अवधि बताई थी जब हमने इसके आगे दही पढ़ा था, तो दही में हमने इंक्यूबेशन अवधि देखा था। और इंक्यूबेशन अवधि में हमने क्या देखा था कि अगर गर्मी का समय है, किसका समय है, गर्मी का मौसम है, तो हम उस इंक्यूबेशन अवधि कितनी होती है भाई, 8 से 10 घंटे होती है। तो गर्मियों के मौसम में हम उसको ठंडी जगह पे रखते हैं। कहां पे रखते हैं? ठंडी जगह पे रखते हैं। इसके अलावा हम बात करें सर्दियों की, कि सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में इंक्यूबेशन अवधि में कहां पर रखेंगे, तो उसको हम रखेंगे गर्म जगह पे। कहां पर रखेंगे? गर्म जगह पर रखते हैं। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखने हैं। अगर आपको जामन में, दही में या पूरे डेयरी केमिस्ट्री में, भाई आज हमने पूरा का पूरा जो डेयरी केमिस्ट्री है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि हमने पास्चराइजेशन पढ़ा, क्रीम हमने पढ़ा, दूध हमने पढ़ा, सेपरेटर मशीन हमने पढ़ी, और भी बहुत सारे टॉपिक हमने इस सीरीज के अंदर देखे हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको आंसर दिया जाएगा। अब इसके अलावा जैसे डेयरी केमिस्ट्री में और भी छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे टॉपिक है, वो डिपेंड करता है कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मतलब वहां से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपको पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद में हम बात करेंगे इस डेयरी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की, कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे सॉल्व करने हैं। याद रखना, जो एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट होता है उसको सबसे ज्यादा डर डेयरी केमिस्ट्री से लगता है, क्योंकि यहां से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल, समझ रहे हो ना आप, बच्चा दूर ही रहता है उन क्वेश्चन से। लेकिन आप दूर नहीं रहोगे क्योंकि आपने पूरा डेयरी केमिस्ट्री पढ़ा है, और उम्मीद करता हूं आप उन सभी क्वेश्चनों के सही सही आंसर दोगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड जरूर कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जो स्टूडेंट पूरा कंप्लीट कोर्स परचेस करना चाहते हैं वहां से परचेस कर सकते हैं, वो आपको कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद फ्रेंड, बाय बाय।